नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। दोस्तों, बिग बॉस के घर में अली गोनी इस बात से अनजान थे कि वो मामा बन गए हैं, लेकिन उनको अचानक से मिल गई है ये खुशी और किस तरह से उनका रिएक्शन सामने आया है आपको बताते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको मिल सके सारी लेटेस्ट गॉसिप एंड अपडेट। वेल दोस्तों, बिग बॉस के घर में अली गोनी थे लेकिन उनकी बहन प्रेग्नेंट थी। उन्हें पता था कि उनकी डिलीवरी फरवरी में होने वाली है, लेकिन वो अभी तक इस बात से अनजान थे कि वो मामा बन गए हैं और इल्हम गोनी ने दिया है एक बेटी को जन्म। तो दोस्तों, फिलहाल बिग बॉस के घर में अली को मिल गई है ये खबर कि वो बन गए हैं मामा, और जिसका रिएक्शन देख वो उछल पड़े और उन्होंने जाकर रूबीना को गले लगा लिया। उस वक्त रूबीना उनके करीब थी और उन्होंने रूबीना को कहा कि आई कांट बिलीव दिस, मैं मामा बन गया हूँ, इल्हम थैंक यू फॉर बेबी गर्ल, और उन्होंने अपने एक्सप्रेशन दिखाए। आपको बता दें कि उन्हें घर के अंदर ये खुशखबरी जब मिली उसके बाद वो एक मिनट के लिए शॉक्ड रह गए थे, और ये खुशखबरी वो एक्चुअली में अपनी फैमिली के साथ बांटना चाहते थे, लेकिन इस वक्त घर के अंदर जो लोग हैं वही उनकी फैमिली है, इसीलिए वो काफ़ी हैप्पी थे लेकिन और ज़्यादा एक्सप्रेस करने की कोशिश करना चाहते थे। उन्होंने बिग बॉस को थैंक यू बोला और अपनी पूरी फैमिली को भी थैंक यू कहा। उन्होंने इल्हम के लिए मैसेज दिया है, उन्होंने कहा कि अल्लाह इल्हम को स्वस्थ रखना और बच्चे को भी एकदम हेल्दी रखना। वेल, जब मैं घर से बाहर आऊँगा तो मैं दोनों से मिलने के लिए काफ़ी बेताब हूँ, और मैं जैसे ही बिग बॉस से निकलूँगा मैं जम्मू जाऊँगा और मैं सबसे पहले इल्हम से मिलना चाहता हूँ और अपनी नई बेबी गर्ल से। तो देखा दोस्तों कि वो कितना एक्साइटेड थे और ये जानने के लिए कि वो मामा बन गए हैं और बेबी गर्ल उनके घर आई है। फिलहाल तो वो बिग बॉस के सेट से सीधा जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो अपने घर जम्मू जाएंगे और अपनी बहन से मिलेंगे। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी है वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।